आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों से बैरियर टाउन लाहौर के अंदर एक न्यू डील लॉन्च होने जा रही है जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पर है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी शिज़ा मलिक फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डेली बेसिस पर डिफरेंट कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स और प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स और अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं टाइमली। सो आज टाइटेनियम के प्लेटफॉर्म से मैं आप लोगों को एक बहरिया टाउन के अंदर जो न्यू डील लॉन्च होने जा रही है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। बेसिकली हमें बहुत सारे लोगों की क्यूरीज रिसीव हो रही थी जिसमें वो क्वेश्चन कर रहे थे कि बहरिया टाउन का सेक्टर जी जो है वो कब तक लॉन्च होने जा रहा है या उसके अंदर प्लॉट कैटेगरी क्या होगी और इसकी लोकेशन क्या होगी और ये कितने टाइम के अंदर लॉन्च होगी। सो आज मैं आप लोगों से इसकी अपडेट्स शेयर करूंगी। आज से 4-5 महीने पहले से ही बहरिया टाउन का जो सेक्टर जी है वो लॉन्च होने जा रहा था, लेकिन कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा डिले हो गया, जो कि अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसी मंथ और मोस्ट एक्सपेक्टेडली मे बी इसी वीक जो है वो लॉन्च हो जाए। अगर मैं आप लोगों से इसकी लोकेशन का जिक्र करूँ तो ये लोकेट करता है सेक्टर एफ़ के फौरन बाद। इसकी लोकेशन है सेक्टर एफ़ का जो टीपू सुल्तान ब्लॉक है, वहाँ से इसकी लोकेशन मर्ज होगी और इसके अलावा दूसरी साइड पे इसकी लोकेशन जाती उमरा रोड वाली साइड पे। अगर इसमें प्लॉट कैटेगरी का जिक्र किया जाए तो प्लॉट कैटेगरी इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 मरला और 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स होंगे और इसके अलावा 5 मरला की कमर्शियल प्लॉट्स भी अवेलेबल होंगे। अगर हम इसकी प्राइसेस का जिक्र करें तो जो 5 मरला की प्राइस है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 5 मरला की प्राइस 50-60 की ब्रैकेट में फॉल करेगी और जो 10 मरला का प्लॉट है वो 80-90 की ब्रैकेट में कॉस्ट करेगा। और अगर मैं इसमें कमर्शियल का जिक्र करूं तो कमर्शियल का जो प्लॉट है 5 मरला का वो 2 से 2.25 करोड़ की ब्रैकेट में कॉस्ट करेगा। अगर देखा जाए तो बहरिया के इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो मोस्टली कैश पे होते हैं, बहुत ही कम कोई इंस्टॉलमेंट पे होते हैं, लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये इंस्टॉलमेंट पे और बहुत ही ईजी इंस्टॉलमेंट पे है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये 1 से 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पर होगा। होपफुली यहाँ पर जो प्लॉट्स हैं वो विद नंबर एंड विद मैप आपको अवेलेबल हों। और अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन भी है और बहुत अच्छा टाइम भी है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे बहुत ही मिनिमम बजट में बहरिया टाउन के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ से गेन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट से डर रहे होते हैं, लेकिन बहरिया की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि बहुत सेफ़ एंड सिक्योर समझी जाती है। सो ये इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन एंड यूज़र जो यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है और ये दोनों के लिए रेकमेंडेड है। इसमें इन्वेस्टर्स के लिए एक और बात ये है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करने का माइंड रखते हैं अगर वो मिनिमम बजट पे जाते हैं तो वो जितना जल्दी हो सके इसको होल्ड कर लें, जैसे ही ये मिनिमम बजट पे आती है तो इसको होल्ड कर लें ताकि इस पर मे बी ऑन चलना स्टार्ट हो जाए। और इन्वेस्टर्स के लिए ये है जो लोग इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं वो जैसे ही ये लॉन्च होता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें मिनिमम बजट पे, क्योंकि हो सकता है ये बाद में ऑन पे चली जाए। सो सेक्टर जी से रिलेटेड मज़ीद अपडेट्स के लिए या फिर इसमें बुकिंग करवाने के लिए या रियल स्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।